नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, प्रेपरेशन के रिगार्डिंग। पूरी हिंदुस्तान में स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई क्रैक करने के लिए क्या क्या संभावनाएँ हम बना सकते हैं और किस तरह से हम इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर यहाँ से लेकर के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को फिल करते हैं, तैयारी करने लगते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि उस एग्ज़ाम का नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ़ एग्जामिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम का नेचर जानने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस को देखने के बाद आपके माइंड में आइडिया हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाला है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सेट को लगाएंगे तो आपको उसकी नेचर के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है। और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे, दोनों को देखेंगे, तो आप अपने आप को वहाँ पे नाप तोल पाएंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इस एग्ज़ाम के आगे। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, जो कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए या कुछ भी करने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है आपका क्लैरिटी। और क्लैरिटी के साथ आपको ये क्लियर हो जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये एग्ज़ाम कहाँ पे है, मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब जब आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को लगा लेते हैं, आपको नेचर पता चल जाता है एग्ज़ाम का, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि पढ़ें क्या, स्टडी मटेरियल कैसे तैयारी करें, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, उसमें जो जीके का पार्ट रहता है जनरल स्टडी का, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये चार मेजर सब्जेक्ट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और आगे फिर आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, सिंपल एलिमेंट्री का मैथमेटिक्स और करंट अफेयर, ये पूरा का पूरा जो आपका जनरल स्टडी का हिस्सा है। शुरुआत बिगिनर्स को छठी से लेकर के अगर ट्वेल्थ तक अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो 70-80% आपका जनरल स्टडी तैयार हो जाता है। उसके बाद आप बाज़ार की दूसरी किताबें जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करनी चाहिए। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ सब कवर हो जाएगा। जनरल साइंस का और मैथ मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक दिन का उठाएं, कोई भी है, क्योंकि टेंथ तक सबने पढ़ा हुआ है, इसमें फोबिया बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। एक एक टॉपिक अगर आप उठाएंगे तो आपको समय जरूर लगेगा, पेशेंस रखें तो, लेकिन एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ली फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो दोबारा आपको जनरल स्टडी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपका बेस तैयार होगा, वन लाइन नोट्स आपके बने होंगे, उसको सिर्फ सिंपल या रिवाइज़ करेंगे। तो शुरुआत एनसीईआरटी से करें। अब जब स्टडी मटेरियल भी देख लिया, फिर क्वेश्चन आता है पढ़ेंगे सी, यानी कि टाइम बाउंड सेट करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे इसको इतने अटैम्प्ट में या इतने साल तक अगर क्लियर हो, 2 साल में, 2.5 साल में या 3 अटैम्प्ट में या 4 अटैम्प्ट में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसा ही कमाना है और पैसे कमाने हज़ारों तरीके हैं, वो केवल एकमात्र तरीका नहीं कि आपने सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करनी, उसके हज़ारों तरीके हैं। फिर आता आपके पास टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको, हर एक इंसान के पास अपने अपने अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। टाइम आपको देखना है कि आप कितना टाइम एक दिन में दे सकते हैं। कोई एम्प्लॉय है, कोई फुल टाइम स्टडी कर रहा है, कोई आपका, मतलब अपने अपने हिसाब से, अगर सपोज करो आपने डिसाइड किया कि मैं 5 घंटे दे सकता हूँ दिन के, तो फिर दिन में आपके पास 3 फेज़ होते हैं, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या दिन का टाइम। अब अर्ली मॉर्निंग हर एक फेज़ का अपना एक प्लस पॉइंट होता है। जब आप अर्ली मॉर्निंग से बोझ करो, आपने सोचा कि मैंने 4:30 3:30 या 4 बजे मुझे सुबह उठ करके रेडी हो जाना है, 4 से 10 बजे तक मुझे पढ़ना है, तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे अगर आप उठते हैं तो पूरी दुनिया में 90-95% दुनिया तो नहीं कह सकते, जहाँ जहाँ रात है वहाँ पर 90-95% लोग जो हैं वो सोए होते हैं। यानी कि एनर्जी जो है अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पीक लेवल के ऊपर है। आपका शरीर, आपका माइंड जो है बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि आप सोए हुए हैं, वो रेस्ट में है, वो आपको सपोर्ट करेगा। पूरे के पूरे चारों तरफ शांति है, ऑक्सीजनेटेड फुल एनवायरनमेंट है आपके पास, तो हर चीज़ आपको फेवर करेगी, वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है आपकी। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, जो सुबह जल्दी उठ सकता है, डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगी, लेट नाइट में भी ऐसे ही रहेगा आपको। हाँ, दिन पूरा दिन आपका शरीर से आपने काम लिया होगा, पूरा माइंड आपका मे भी थक भी चुका होगा, लेकिन आपको लेट नाइट की बात करें तो लेट नाइट में भी आप जो है
वो अपना टाइम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेट नाइट भी आप पढ़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस कम रहेगी आपके पास। तो इस तरह से तीन फेज को अपने अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना पढ़ें। भाई खुद को पूछिए कितना पढ़ें, आप कहाँ पे हैं, आपको कितनी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आपको कि इतना घंटे पढ़ना है, इतना टाइम पढ़ना है। आपको जितनी नीड है, आप जितना प्रोडक्टिव टाइम दे सकते हैं उतना आपको पढ़ना है। लेकिन मिनिमम पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये भी नहीं है कि आपको आधा घंटा पढ़ा तो हो जाएगा, ऐसे मिनिमम आपको 3-4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन डिपेंड करता अपने ऊपर कि आपको लगता है नहीं यार मुझे 6 घंटे में दे सकता हूँ और 6 घंटे रिक्वायरमेंट भी है मेरी, तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वालिटी मैटर करता है। स्टडी कर रहे हैं आप 8 घंटे की, जो स्टडी करने की जो प्रोग्रेस है अगर आप 3 घंटे में निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें लगातार, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, लिखते रहें, इससे आपकी मैक्सिमम सेंसेस यूज़ होंगी और अटेंशन पावर बढ़ेगी, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। प्रैक्टिस सेट को रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम जरूर लगाते रहें। आप UGC नेट का एग्ज़ाम है, TGT का है, बैंकिंग का है, रेलवे का है, UPSC का है, कोई भी एग्ज़ाम आप जो है दे रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस सेट जो है उसको लगाते रहें। उससे आप में कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, क्लैरिटी बनती रहेगी, अपनी असेसमेंट होती रहेगी। वन लाइनर नोट्स को बनाते रहें जो कि आप एंड में आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप पूरी की पूरी बुक्स में दोबारा ना जा करके जो है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाएँ। कभी भी किसी को किसी तरह से कॉपी ना करें। कोई भी एग्ज़ाम का, चाहे वो टॉपर भी है, वो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है तो डायरेक्टली डिटो उसको कॉपी ना करें। वहाँ से देखें कि आपके लाइक क्या चीज़ है और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट, अपने अकॉर्डिंग डालें उसको। एज इट इज़ डिटो कॉपी ना करें। किसी ने कहा कि नहीं रात को मैं 2:30 बजे तक बैठता हूँ और आप सुबह उठने वाले हैं और आपने रात को जागना शुरू कर दिया, तो उससे आपका पूरा का पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को देखें, अपने हिसाब, अपनी अपनी खुद को देखें और उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। एंड नेक्स्ट वन इज रेगुलरिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी जो है आपकी वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्टे इंस्पायर्ड एंड हेल्थी, हमेशा इंस्पायर्ड रहें, अपने गोल को याद रखें, आप क्यों कर रहे हैं, आप किस किस लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको करना क्या है, और हेल्थी रहें। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए इसके दौरान। और आप खुद के लिए जो सोचते हैं, आप खुद से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। जो आप सोच रहे हैं उससे कई गुना आप बड़े हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, आप बहुत बड़े हैं। आपको किसी मकसद से इस प्लैनेट के ऊपर भेजा हुआ है, इसलिए खुश रहें और खुशियां बांटें। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिला होगा। किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए, सुझाव के लिए कमेंट करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन को ना भूलें। फॉर इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।